नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी कलाकंद। तो देख सकते हैं मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा पानी डाला है, कढ़ाई गर्म हो गया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं दूध डालूंगी। तो पानी मैंने इसलिए डाला है कि दूध नीचे से कढ़ाई में चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने से दूध नीचे से चिपकता नहीं है, इसीलिए डाला है कलाकंद, जिसे हम मिल्क केक भी कहते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कलाकंद बनाने की रेसिपी। तो देखिए दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है दूध में। अब दूध को कम से कम 1 घंटा तक पकाना है और करछी चलाते रहना है। साइड से मलाई को निकाल के फिर दूध में मिला देना है और ऐसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो को देख सको। चलिए तो फिर कलाकंद बनाते हैं। तो देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और कुछ देर तक पकाना है इसको। उसके बाद इसमें चीनी, इलायची और नींबू डालना है। तो देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी लिया है और इलायची को मैंने पीस लिया है, और यहाँ देखिए 1 नींबू लिया है। इसको डालना है कलाकंद में। चलिए तो फिर देखते हैं कब क्या डाला जाता है। तो यहाँ देखिए दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है, दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और भी पकाना है हमें। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना आप, और वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट्स में बताना, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताना। तो देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें नींबू और पानी को मिला के डालूँगी। नींबू का रस जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी मिला के फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जब हम नींबू का पानी दूध में डालेंगे तो उस टाइम करछी नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर बाद चलाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने डाल दिया है नींबू पानी डाल दिया है। अब कुछ देर बाद मैं ऐसे करछी चलाऊंगी। तो देख सकते हैं दूध में थोड़ा लच्छा लच्छा टाइप का बन रहा है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से बन रहा है, लच्छा लच्छा दूध थोड़ा बहुत फट गया है। दूध को एकदम नहीं फटाना है इसको, थोड़ा ही नींबू थोड़ा कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा डालोगे तो बहुत ही खट्टा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही डालना है। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से दूध फट गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसको मिलाऊंगी और करछी से अच्छे से इसको मिलाऊंगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं कलाकंद बना रही हूँ और किस तरीके से मिला रही हूँ सब कुछ। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने ये जो कलाकंद बनाया था ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं इसलिए बता रही हूँ टेस्टी बनी है क्योंकि मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है, इसलिए बता रही हूँ। ये कलाकंद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी सूख गया है, और कुछ देर इसको पकाना है। पानी को एकदम सुखा देना है। तो देख सकते हैं पानी बहुत सूख गया है। अब मैं जो इलायची को मैंने पीस के रखा था उसको डाल दूँगी इसमें, और फिर मिला दूँगी अच्छे से। अगर इलायची आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें दाना दाना टाइप का आया है, एकदम मिल्केक की तरह, मार्केट जैसा। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इलायची डालने के बाद। तो यहाँ देख सकते हो मेरी कलाकंद एकदम तैयार है, और कलर भी देखिए कितना मस्त कलर है इसका। देखिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक
कटोरी में थोड़ा सा घी लगा के चारों तरफ से लगा दूंगी और फिर मैं इसमें कलाकंद को सेट कर दूंगी। तो देख सकते हैं कलाकंद बिल्कुल तैयार है। अब इसको निकालना है थोड़ा थोड़ा करके। मैंने जिस कटोरी में घी लगा के रखा था उसमें ऐसे डाल दूंगी और फिर अच्छे से मिला, मतलब कि चम्मच से या फिर करछी या हाथ से, आप किसी से भी कर सकते हो, एकदम अच्छे से इसको सेट कर देना है और फिर 4 से 5 घंटे तक इसको रख देना है। उसके बाद अब इसको काट के पीसेस बना के खा सकते हो, जैसा आपको पसंद है, जिस टाइप का पीस आप बनाना चाहते हो उस टाइप का बना सकते हो। तो फ्रेंड इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि कैसा बना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप तुरंत वीडियो को देख सको। तो देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है एक थाली में। अब मैं इसको काटूँगी। देख सकते हो किस तरीके से मैं काटूँ। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से काट सकते हो, उस तरीके का पीसेस बना सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो। देखिए इसका कलर कितना मस्त है। और यहाँ देखिए मैंने काट के रख दिया है एक प्लेट में। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।